ये देखिए टमाटर की फूली फूली पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। आप इसे अचार अचार के साथ खाइए या दही चटनी किसी से भी खाइए, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं ये। आप इन्हें बच्चों के टिफिन में भी दे सकती हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत आसानी से। हेलो दोस्तों, काव्य किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर की पूड़ी मसालेदार। तो देखिए उसके लिए हमने ये टमाटर लिया है, तो 3 हमने टमाटर लिए हैं और ये हरी अदरक ली है और ये 2 हरी मिर्च हमने लिए छोटी और ये भुना जीरा लिया है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स है, हींग, ये रोस्टेड मसाला है, ये चाट मसाला, अजवाइन, नमक और आटा। तो सबसे पहले हम ये टमाटर, हरी मिर्च और ये अदरक का पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए टमाटर का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। तो हमने अभी आटा लिया है, तो आटे में हम ये मसाले सब ऐड करेंगे। तो ये हम चाट मसाला लिए हैं 1 चम्मच, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर और हींग, इसको भी हम डाल देंगे। ये रोस्टेड मसाला है, ये बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं इसकी। सुबह के आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो ये हल्का सा हम इसको क्रश करके लेंगे, इससे इसका फ्लेवर अच्छा रहता है। और इसमें अभी हम नमक, तो नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम मोयन डालेंगे, हल्का सा, एक चम्मच के करीब हमने मोयन डाला है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको जो टमाटर का पेस्ट है उससे हम इसका डो तैयार करेंगे। हम पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए अभी हम टमाटर का पेस्ट डाल के और इसका हम अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, नहीं तो गीला भी होने का डर है, तो हमें जितना ज़रूरत होगी उतना ही हम डालेंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो टमाटर से बहुत अच्छी, मैंने इससे पहले भी कई रेसिपी शेयर की हैं, जैसे टमाटर का अचार है, टमाटर के हमने पापड़ भी बनाए हैं। तो इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर कर रखी है, और चाहे तो उसको देख भी सकती हैं। तो इसको हम इस टाइप से अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसी में अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। ये देखिए डो हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। तब हम इसकी पूड़ियाँ बेलेंगे, तब इसके छोटे छोटे पूड़ियाँ बेलेंगे। तो इसमें हम ऊपर से इसका आटा नहीं लगाएंगे, ऐसे ही बेलेंगे, हल्का सा घी लगा करके, क्योंकि इतना सॉफ्ट है ये आटा। इसको छोटे छोटे से तोड़ ले रहे हैं लो इसकी हम। अगर लग रहा है चिपक रहा है तो आप हल्का सा इसमें घी लगा सकती हैं। घी या जिसमें भी आप बना रही हैं पूरी वो लगा सकती हैं, रिफाइंड वगैरह। तो हमने वो रिफाइंड चढ़ा दिया है गरम करने के लिए। और देखिए इस टाइप से हम पूड़ियाँ बना लेंगे। देखिए इस टाइप से हम सारी पूड़ियाँ तैयार कर ले रहे हैं पहले। तो इस तरह सारी पूड़ियाँ निकाल ले रहे हैं अभी। ये देखिए टमाटर की फूली फूली पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। आप इसे अचार अचार के साथ खाइए या दही चटनी किसी से भी खाइए, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं ये। आप इन्हें बच्चों के टिफिन में भी दे सकती हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती, बहुत आसानी से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।